तुझे याद है अभिषेक बेटा कि कुछ वक्त पहले तूने ही मुझे इस लड़की के बारे में बताया था। उस दिन क्या बोला था तूने मुझे? तुझे याद नहीं आ रहा? या मुझे याद दिलाना पड़ेगा? अभिषेक के पिता विवेक ने पूछा। क्या कहा था मैंने? मुझे कुछ याद ही नहीं है, अभिषेक ने कहा और वापस से अपना सिर नीचे झुका लिया। अच्छा तो ठीक है, मैं ही याद दिला देता हूं तुझे। ये लड़की आरुषि वही है ना जिसे तू प्यार करते हैं? ये भी शायद तुझसे प्यार करती है। अरे भाई अब क्या शर्माना, बोल दे कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है। डोंट वरी, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तुझे। बाप हूं तेरा, इतना ख्याल तो रखना ही पड़ेगा मुझे तेरा, मजाकिया अंदाज में विवेक ने अपने बेटे से कहा, जिसके जवाब में आरुषि शर्मा गई और अभिषेक ने वापस से अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी इतने में आरुषि ने अभिषेक के पिता के पैर छुए और साथ ही राजेश शेखावत के पैर छूकर दोनों से आशीर्वाद लिया। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे, अभिषेक के पिता और राजेश शेखावत ने आरुषि को आशीर्वाद देकर कहा। वैसे हमारा बेटा थोड़ा भुलक्कड़ टाइप का है, इसलिए अब से इसका ख्याल तुझे ही रखना होगा, हमारे बस का तो है नहीं इसे हैंडल कर पाना। एक मजाकिया अंदाज में राजेश शेखावत ने आरुषि से कहा। सभी लोग आपस में इस तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया। चलो चलो सभी लोग अपने अपने सामान को पकड़ो, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो चुका है, तेज आवाज में राजेश शेखावत ने कहा और सभी लोग अपना अपना सामान पकड़कर फ्लाइट की तरफ जाने लगे। इधर दूसरी तरफ बिट्टू अपनी सीट पर बैठकर सो रहा है कि तभी इतने में उसका फोन बजता है। कुछ देर तक फोन ऐसे ही बजता रहता है और फिर कुछ देर बाद अपने आप बंद हो जाता है। क्या बात है, ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बिट्टू के पिता विक्रम फोन की दूसरी तरफ से कहते हैं। आप दोबारा ट्राई करिए ना, मुझे लगता है वो आराम कर रहा होगा, बार बार ट्राई करते रहेंगे तो शायद फोन पिक कर ले, बिट्टू की मां ने उसके पिता से कहा। अरे ठीक है बाबा, तुम चिंता मत करो, मैं दोबारा से कॉल करता हूं, थोड़ा परेशान होकर विक्रम ने जवाब दिया और अगले ही पल अपने बेटे को कॉल कर दिया। बिट्टू जो कि अभी गहरी नींद में सोया हुआ है, उसका फोन बजा जो कि उसकी लोअर के पॉकेट में। अरे भाई बिट्टू, तेरा फोन बज रहा है, उठा, शायद तेरे घर वालों का फोन हो। यह आवाज बिट्टू के बगल में बैठा एक दूसरे लड़के करण की थी, जो बिट्टू को उसके फोन बजने की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अरे यार सोने देना और फोन को यूं ही बजते रहने दे, कुछ देर यूं ही बजता रहेगा और फिर अपने आप बंद हो जाएगा यार, बिट्टू ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, जो कि ये नहीं चाहता कि उसे कोई उसकी नींद में डिस्टर्ब करे, क्योंकि उसे उसकी नींद से बहुत प्यार है। तेरा तो ऐसा ही यार, रुक जा मैं देखता हूं, क्या पता हो सकता है तेरा कोई अर्जेंट कॉल हो, उसके साथ में बैठे लड़के करण ने कहा, जो कि बिट्टू का ही दोस्त है, और अगले पल उसकी लोअर के जेब में हाथ डालकर फोन बाहर निकालकर देखने लगा। करण ने देखा कि बिट्टू के घर वालों का फोन आ रहा है, इसलिए उसने फोन बिट्टू को देते हुए जोर से उसके कान में कहा, अबे तेरे घर वालों का फोन है, फटाफट उठा ले। तेज आवाज में करण के ऐसा कहते ही बिट्टू अपनी नींद से बाहर आ गया और अगले ही पल उसने फटाफट करण के हाथों से अपना मोबाइल फोन लेकर अपने पापा का कॉल पिक कर लिया। हेलो पापा, बिट्टू ने हड़बड़ाते हुए कहा। अरे मैं पिछले आधे घंटे से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूं और तू है कि मेरा फोन उठाने को तैयार ही नहीं है, थोड़ा गुस्से में बिट्टू के पापा विक्रम ने फोन की दूसरी तरफ से कहा। वो पापा मैं काफी थक गया था, घर आ रहा हूं ना इसलिए ट्रेन में थोड़ा सो गया था, इसलिए आपका फोन नहीं उठा पाया, बिट्टू ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया। क्या आज तू घर आ रहा है, इसका मतलब तेरे साथ अर्जुन भी घर आ रहा होगा, विक्रम ने थोड़ा एक्साइटेड होकर सवाल पूछा। हाँ पापा, अर्जुन भी मेरे साथ ही घर आ रहा है, बिट्टू ने जवाब दिया। अर्जुन अब कैसा है, विक्रम ने अपने बेटे से अर्जुन को लेकर सवाल किया। उन्हें अर्जुन की काफी चिंता थी और वे उसका हाल जानना चाहते थे। हाँ पापा, अर्जुन जिंदा है और पूरी तरह ठीक भी है, बिट्टू ने कहा। हमारा बेटा सही सलामत है, बावजूद इसके तूने एक बार भी उससे हमारी बात कराना जरूरी नहीं समझा, क्यों? विक्रम ने फोन की दूसरी तरफ से थोड़ा गुस्से में कहा। सॉरी पापा, वो मैं कराना तो चाहता था आपकी अर्जुन से बात, लेकिन
जल्दी जल्दी में मेरे दिमाग से सारा कुछ निकल गया, इसलिए मैं भूल गया, थोड़ा हड़बड़ाते हुए बिट्टू ने जवाब दिया। नालायक, भूल गया? किसी दिन तू हमें ही भूल जाएगा। चल अब जल्दी से अर्जुन से बात करा। कहाँ है वो? मुझे उससे बात करनी है, और अभी और इसी वक्त। एक तेज आवाज में फिर एक बार बिट्टू के पापा ने उससे कहा। पर अर्जुन अभी यहां पर नहीं है, वो इसी कंपार्टमेंट में आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है। यह सब कहकर बिट्टू चाहता है कि वो एक प्यारी सी नींद निकाल ले और उसके पिता उसे अभी डिस्टर्ब ना करके फोन कट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके पिता ने फोन कट करने के बजाय बिट्टू को ही उल्टा सीधा सुनाने लगे। अगर वो आगे वाली सीट पर बैठा है तो क्या मैं यहां से जाऊंगा उससे बात करने? चल जल्दी और फटाफट मेरी बात उससे करा, बिट्टू को डांटते हुए उसके पिता ने कहा। अपने पिता के गुस्से से घबराया हुआ बिट्टू फटाफट अपनी जगह से उठता है और जल्दी जल्दी में अर्जुन के नजदीक पहुंच जाता है, उस वाली सीट पर जहां अभी अभी अर्जुन काम्या के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। ये ले, घर से फोन आया, पापा तुझसे बात करना चाहते हैं, बिट्टू ने कहा और अगले पल फोन अर्जुन के हाथ में पकड़ा दिया। मैं वापस से जा रहा हूं अपनी सीट पर सोने, तू पापा से बात कर और फोन अपने पास संभाल कर रखना, बिट्टू ने कहा और फिर तुरंत ही वो वापस अपनी सीट पर बैठने चला गया। तो वहीं इस तरफ अर्जुन ने अपने कान पर फोन लगाया, जो कि अपने चाचा से बात करने के लिए उतना ही बेसब्र है जितना कि उसके चाचा उससे बात करने को बेसब्र है। हेलो अर्जुन बेटा, कैसा है तू? अर्जुन के चाचा ने भरे हुए गले के साथ कहा। अपने चाचा की दर्द भरी आवाज सुनकर अर्जुन का दिल भी रोने को हो गया, और फिर क्या था, वो पूरी तरह इमोशनल हो गया। चाचा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? अर्जुन ने जवाब दिया और साथ ही चाचा से सवाल किया। अर्जुन के इस जवाब के साथ उसकी आवाज सुनकर आखिरकार उसके चाचा के दिल को ठंडक मिल गई, क्योंकि जो अर्जुन अभी तक उन सबकी और दुनिया की नजरों में मर चुका था, वो जिंदा है और सही सलामत उनसे बात भी कर पा रहा है। आज अर्जुन के चाचा विक्रम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उनके बातों से उनकी खुशियां साफ झलक रही थी। बेटा, शायद तू नहीं जानता, आज तेरी आवाज सुनकर मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। बेटा, मैं अभी अपनी जज्बातों को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू अपने चाचा के जज्बातों को समझने में सक्षम है। मैं क्या कह रहा हूं तू समझ पा रहा है ना? चाचा ने भरे गले से अर्जुन से पूछा। हाँ चाचा जी, मैं सब समझ सकता हूं, आपके जज्बातों को महसूस कर सकता हूं, अर्जुन ने थोड़ा इमोशनल होकर जवाब दिया। बेटा, तू तो जानता ही है ना कि जब तू छोटा था तब तेरे माता पिता तुझे छोड़कर चले गए थे, तब से मैंने तुझे अपना बेटा समझकर पाला पोसा है, लेकिन मैं तुझे भैया और भाभी की गैर मौजूदगी में वो प्यार नहीं दे पाया, तेरी वो परवरिश नहीं कर पाया जो शायद भैया भाभी कर सकते थे। वो अगर आज जिंदा होते तो। इतना कहकर वो थोड़ा रुक गए, फिर आगे बोले, जब मैंने तेरे मरने की खबर सुनी तो मेरी सांसें पूरी तरह थम गई थी बेटा, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तब से मेरी आंखों में रात हो या दिन, मुझे सुकून कभी भी नहीं आया। मैं हर वक्त अपने आप को कोसता रहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तेरा गुनहगार हूं बेटा, हो सके तो मुझे माफ कर देना, अर्जुन के चाचा ने रोते हुए कहा और अर्जुन से फोन पर ही माफी मांगने लगे। उनकी बातों में एक अजीब सी खसक थी जो अर्जुन साफ तौर पर महसूस कर रहा था। नहीं नहीं चाचा, आप अगर माफी मांगने लगेंगे तो मैं शर्म से डूब जाऊंगा, फिर कभी आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैंने हमेशा आपको अपने पापा की जगह पाया है, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे मुझे तकलीफ पहुंचे, और वैसे भी अब इतना इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं ना कि मैं अब जिंदा हूं और वापस अब घर भी आ रहा हूं, अर्जुन ने अपने चाचा को समझाते हुए बोला। तभी इतने में चाचा के पास अर्जुन की चाची भी आकर बैठ गई और इशारों इशारों में उनसे अर्जुन से बात कराने के लिए कहने लगी। अच्छा अर्जुन बेटा, मुझसे तो तूने काफी बात कर ली है, तेरी चाची तुझसे बात करना चाहती है, बात करेगा अपनी चाची से? चाचा ने अर्जुन से कहा। हां चाचा, अर्जुन ने जवाब दिया और वो चाची से बात करने को तैयार हुआ। अगले ही पल चाची ने चाचा के हाथ से फोन लिया और अर्जुन से बात करने लगी। चाची ने अर्जुन से फोन पर सिर्फ हेलो कहा,
कि तभी इतने में ट्रेन में कुछ 4-5 लोग दाखिल होते हैं। ये लोग गुंडे हैं जिनके हाथों में पिस्तौल और चाकू है और इनके चेहरे पर नकाब लगे हुए हैं। अर्जुन की नजर जैसे उन गुंडों पर गई वैसे ही उसने फोन कट कर दिया और उसे स्विच ऑफ कर दिया। हेलो हेलो अर्जुन, चाची ने कहा और अगले ही पल फिर दोबारा से अर्जुन का फोन ट्राई करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इतने में उसे पता चला कि उसका फोन तो स्विच ऑफ हो गया है। मैंने अभी अर्जुन से अच्छे से बात भी नहीं की थी, लेकिन अचानक पता नहीं अभी अभी क्या हुआ कि उसने फोन कट कर दिया। जब मैंने दोबारा से ट्राई किया तो फोन स्विच ऑफ बता रहा है, चाची थोड़ा परेशान होते हुए बोली। मुझे लगता है शायद उसके फोन में बैटरी नहीं होगी इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ हो गया है। आप टेंशन मत लो मां, जब भाई घर आ जाएगा तब आप आराम से उससे बात कर लेना, पिंकी ने अपनी मां को समझाते हुए कहा। लेकिन अभी तक तो वो तेरे पापा से अच्छे से बातें कर रहा था, मुझे लगता है शायद वो मुझसे बात नहीं करना चाहता होगा, इसलिए तो उसने फोन कट करके अब स्विच ऑफ कर दिया। मुझे लगता है अभी तक वो मुझसे नाराज है, पिंकी की मां परेशान होते हुए बोली। नहीं मां, बेवजह की गलतफहमी मत पाली अपने दिमाग में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन शायद आपको बताना भूल गया हो कि फोन में बैटरी कम है और पापा से बातें करते हुए शायद इमोशनल हो गया होगा जिससे उसको इन सब बात का ध्यान नहीं रहा होगा, पिंकी फिर एक बार अपनी मां को समझाते हुए बोली, जिसके जवाब में उसकी मां ने हां में अपना सिर हिलाया। तो वहीं दूसरी तरफ वे सभी गुंडे उस कंपार्टमेंट में आकर सभी स्टूडेंट को धमकाने लगे जिस कंपार्टमेंट में अर्जुन भी मौजूद है। कौन है आप लोग और यहां क्या कर रहे हैं, कोच सिद्धार्थ ने अपनी जगह से खड़े होकर उठते हुए कहा। कोच सिद्धार्थ की यह बात सुनकर उन नकाबपोश गुंडों में से एक निकलकर उसके पास आ पहुंचा। उसने अपनी पिस्तौल कोच सिद्धार्थ की कनपट्टी से लगा दी और बोला, बहुत जवान चल रही है तेरी, तू जानना चाहता है ना हम कौन है? तो सुन, हम चोर हैं, प्रोफेशनल चोर, पर तेरा हुलिया देखने पर मालूम पड़ता है कि तू इन सब का हेड है, इसलिए इन सबसे कह दे इन सभी के पास जितने भी पैसे हैं ना और साथ में तेरे पास भी जितने पैसे हैं वो सभी हमारे हवाले कर दो फटाफट। और हाँ, यहां किसी के पास अगर सोने की चेन या अंगूठी है तो वो भी हमारे हवाले कर दे, वरना अंजाम तुम सबकी मौत होगा। अरे ट्रेन में तो गुंडे घुसा है, अब क्या होगा? भलाई तो इसी में है कि हम लोग इन सभी को अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देते हैं, अगर जान बची रही तो आगे का सोचा जाएगा, विकी का दोस्त घबरा कर उससे कहता है। भाई मुझे पैसे से बहुत प्यार है, मैं इन लोगों को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला, विक्की बोला। वैसे तू तो फाइटर आदमी है, कॉलेज में हर किसी लड़के से फाइट करने का शौक है तुझे, चल अपनी फाइट का एक नमूना यहां भी दिखा और इन सभी को मारकर हम लोगों के पैसे और हमें बचा ले, और साथ ही यही मौका है काम्या को इम्प्रेस करने का। अगर आज तूने इन गुंडों की धुलाई कर दी ना तो काम्या तो पक्का तुझसे इम्प्रेस हो जाएगी भाई। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, तू पागल हो गया क्या? अरे इन सब गुंडों के पास धारदार हथियार है, अगर मैं गलती से भी इनके पास चला गया तो ये लोग मुझे काट डालेंगे भाई, इसलिए माफ कर दे, मैं इनसे पंगा तो दूर इनके आगे जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता, विकी अपने दोस्तों के सामने अपनी बेवसी दिखाते हुए कहता है। अब क्या होगा आगे, क्या अर्जुन कर पाएगा इस मुसीबत से सामना, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर अर्जुन सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। चलो अब सभी लोग अपनी पॉकेट से अपने अपने पर्स बाहर निकाल कर रख दो, जिसके गले में सोने की चेन है वो भी हमें दे दो, और हाथों में जो सोने की अंगूठियां ना उन्हें भी हमारे सामने रख दो, उन चोरों का लीडर बोला जिन्होंने अपने फेस पर नकाब पहन रखा है। साथ ही उन सभी चोरों के हाथों में पिस्तौल और धारदार हथियार भी है। उन बदमाश चोरों की पिस्तौल और धारदार हथियार वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट और बाकी पैसेंजर की ओर तने हुए हैं। वे बदमाश लगातार ट्रेन में बैठे सारे लोगों को धमकी दिए जा रहे हैं। देखो हम सबकी भलाई इसी में है कि अभी हम सभी को हमारे पास जितने भी पैसे हैं, सोने की अंगूठी और चेन वगैरह सब कुछ इन चोरों के हवाले कर देनी होगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग हमें जान से मार डालेंगे, कोच सिद्धार्थ वहां पर मौजूद बाकी स्टूडेंट से और पैसेंजर से रिक्वेस्ट करता हुआ बोला। और उसके ऐसा कहते ही वहां पर मौजूद सभी पैसेंजर और स्टूडेंट्स ने
अपने पर्स और सोने की अंगूठी सहित बाकी कुछ कीमती चीजें अपने हाथों और अपने गले से और अपनी पॉकेट से बाहर निकालने लगे। रुक जाओ सभी लोग, कोई ऐसा नहीं करेगा। यह आवाज अर्जुन की थी जो इन सभी स्टूडेंट्स को समझाते हुए बोला कि वे सभी लोग अपने अपने पॉकेट व बैग से बाकी कीमती चीजें बाहर निकालकर इन चोरों के हवाले न करें। इस भीड़ में इतने लोगों में से अर्जुन की हिम्मत भले ही काबिले तारीफ थी, लेकिन बावजूद इसके ट्रेन के इस कंपार्टमेंट में मौजूद लोग और ये सभी स्टूडेंट अर्जुन की इस हरकत पर खासा नाराज नजर आए। साथ ही वे हैरान हो उठे। ये क्या कर रहे हो तुम अर्जुन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें मरने का शौक है तो मरो ना, हमें जिंदा रहना है, समझे तुम? इसलिए अपनी जगह पर वापस बैठ जाओ और हमें अपना काम करने दो, विकी ने एक तेज आवाज में अर्जुन को डांटते हुए कहा। हाँ अर्जुन, विकी बिल्कुल सही कहता है, अगर तुम इस तरह जिद पर अड़े रहे तो बहुत जल्द हमें मार दिया जाएगा। काम में अर्जुन को समझाते हुए बोली जो कि अर्जुन की बगल वाली सीट पर बैठी हुई। तभी इतने में कोच सिद्धार्थ भी बोला, हाँ अर्जुन ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम खुद तो मर जाओगे और साथ ही हमें भी मरवा कर ही मानोगे आज। ये सभी लोग अर्जुन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन है कि अभी भी अपनी जगह पर बैठा नहीं बल्कि बहादुरी और बड़ी शान के साथ खड़ा है। नहीं सर, माफ करिए, मैं अभी आप सभी लोगों की बात नहीं सुन सकता। आप लोग भले इन चोरों से घबरा गए हो, लेकिन मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं इनसे मुकाबला करूंगा, चाहे फिर आप लोग मेरा साथ दे या ना दे, मैं अपने इस डिसीजन से पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन अपने डिसीजन पर अडिग रहा और उसके इसी अड़ियल रवैये ने वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स और तमाम लोगों के दिलों में डर पैदा कर दिया और साथ ही उन सभी गुंडों को आगे एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। उन नकाबपोश चोरों में से एक नकाबपोश अर्जुन की तरफ आया। उसने अर्जुन की कनपट्टी पर पिस्तौल रखते हुए कहा, क्यों बहुत चर्बी है तेरे अंदर? हमने जो यहां सभी से कहा तुझे समझ नहीं आया क्या? ये छह की छह गोलियां तेरी कनपट्टी में उतार दूंगा, वो नकाबपोश चोर अर्जुन को धमकाता हुआ बोला। तू और तेरे साथ वाले जो कर रहे हैं ना, वो सब गलत है। वाकई में पैसा कमाना चाहते हो तो सभी आम लोगों की तरह मेहनत करो। बेशक उसमें पैसे कम मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलेंगे वो इज्जत के पैसे होंगे जिसमें किसी दूसरे को कोई नुकसान भी नहीं होगा, अर्जुन ने चोर को समझाते हुए कहा। ए लड़के, तुझे यहां पर ज्ञान देने के लिए नहीं कहा हमने? अब अगर आगे एक और शब्द भी बोला ना तो तेरे साथ यहां पर मौजूद बाकी सभी लोग बेमौत मारे जाएंगे, जिनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू ही होगा। इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि अभी और इसी वक्त चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जा और हमें अपना काम करने दे, उस चोर ने फिर एक बार अर्जुन को धमकाते हुए कहा। तुझे जो करना है ना तू कर सकता है, इसके लिए मैंने तुझे पूरी तरह आजाद कर दिया है। अगर तू चाहता है कि तू मुझे गोली मारकर मुझे खत्म कर सकता है तो ठीक है, चला गोली, मैं मरने के लिए तेरे सामने हाजिर हूं, अर्जुन ने कहा। इस वक्त अर्जुन के चेहरे पर ना तो सामने खड़े बदमाश की गोली से मरने का खौफ है और ना ही चेहरे पर कोई ऐसे भाव हैं जिससे पता चल सके कि वो डर रहा है। बड़ी अजीब बात है, मौत को इतने करीब से देखने के बावजूद भी तेरे चेहरे पर मौत का जरा भी डर नहीं है। तेरे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुझे जरा भी डर नहीं है, तू मारा जा सकता है, सामने खड़े बदमाश ने कहा। देखो मैंने तुम्हें आजाद छोड़ा है, तुझे जो करना है तू कर सकता है, मैं तेरे सामने इसी तरह खड़ा रहूंगा, अर्जुन ने फिर एक बार जोशीले अंदाज में कहा। अर्जुन के इन तेवरों और इस गर्म जोशी ने वहां मौजूद बदमाशों को तो चौंकाया, साथ ही सभी स्टूडेंट को भी हक्का बक्का कर दिया। देखो अर्जुन पागल मत बनो, ये लोग सच में तुम्हारी जान ले लेंगे, इसलिए ये लोग जैसा कहते हैं वैसा करो, काम्या अर्जुन को समझाते हुए बोली। हाँ अर्जुन, काम्या सही कहती है, तुम ऐसा मत करो ना प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, ये लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देंगे तो देखो तो मैं देख नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं अर्जुन, इन लोगों की बात मान लो और छोड़ दो अपनी जिद, प्रिया भी अर्जुन को समझाते हुए बोली, जिसकी आंखों में अर्जुन के लिए फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही है। तो ही काम्या का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अभिषेक अपने दोस्तों और आरुषि के साथ फ्लाइट में बैठा हुआ है। उसके दाईं साइड में कुछ आगे उसके पिता के साथ राजेश शेखावत बैठे हुए हैं। वहीं अभिषेक के दोस्त
अभिषेक के ठीक आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं और अभिषेक अभी आरुषि के साथ बैठा हुआ है। वो आज काफी दिनों बाद आरुषि के साथ बैठकर अपनी पुरानी यादों को फिर से ताजा करने में लगा हुआ है। पहले का अभिषेक और अब के अभिषेक में काफी अंतर लगता है मुझे। तुम्हें कभी अपनी लाइफ के लिए इतना सीरियस होते मैंने पहले कभी नहीं देखा जितना तुम अभी हो, आरुषि ने अभिषेक से सवाल किया। अच्छा, करियर को लेकर तो मैं पहले भी सीरियस था, फिर ऐसा क्यों बोल लियो कि अब सीरियस हुआ हूं? अभिषेक ने जवाबी सवाल पूछा। करियर को लेकर नहीं बाबा, अपनी लाइफ को लेकर बोल रही हूं, आरुषि ने जवाब दिया। अपनी लाइफ को लेकर? तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं, अभिषेक ने पूछा। जहां पहले तुम टेंशन फ्री हुआ करते थे, वहीं अब अपनी लाइफ को लेकर टेंशन लेने लगे हो। अपने दोस्तों के साथ ज्यादातर बिजी रहने वाले तुम, हंसी मजाक करने वाले तुम, अब एकदम से शांत हो गए हो। अब तुम्हारी बातें भी मुझे एकदम से बदली बदली नजर आ रही है, आरुषि ने जवाब दिया। ये क्या बात कर रही हो आरुषि, मुझे तो अपने अंदर कुछ ऐसा बदला बदला नजर नहीं आ रहा जैसा तुम्हें नजर आ रहा है, अभिषेक ने मजाकिया अंदाज में कहा। साथ में वो हैरान भी है कि आरुषि उससे इस तरह से बात क्यों कर रही है। नहीं, ये सच है अभिषेक, जब से तुम्हें यह मालूम पड़ा है कि तुम्हारे पिता कोई और हैं, तब से तुम्हारा रवैया बदल गया है। और जब से तुम उस समुद्री रहस्यमय दुनिया में गए हो, जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पिता वहां कैद थे और साथ ही तुम्हारे दादाजी भी वहां जिंदा थे, तभी से इतना कहते ही आरुषि ने अभिषेक को देखा और वह आगे कुछ कहने से रुक गई, क्योंकि उसके पिता और दादा को लेकर आरुषि की ये बातें अभिषेक को चुभ सी गई, जिसका असर उसके चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था। आरुषि की बातों से अभिषेक का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ गया। उसकी आंखों में इतना गुस्सा आ गया जिसे देखकर लग रहा है कि वो किसी भी वक्त आरुषि पर अपना गुस्सा उतार सकता है। वहीं अब आरुषि को अपनी गलती का एहसास हो गया कि अभी अभी उसने अभिषेक से जो कुछ भी उसके पिता और दादा को लेकर बातें की वो नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो अभिषेक, मैंने जो कुछ भी अभी तुमसे कहा वो गलत था। मुझे अपनी बातों में तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता का जिक्र नहीं लाना चाहिए था, आरुषि अभिषेक से माफी मांगते हुए बोली। आरुषि के इस तरह माफी मांगने के बावजूद भी अभिषेक का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखें लगातार लाल होती गई। ये देखकर आरुषि को काफी हैरानी हुई, क्योंकि जैसे गुस्सा अभिषेक की आंखों में नजर आ रहा है, ऐसा गुस्सा अभिषेक को आज से पहले कभी भी नहीं आया था, जो कि आरुषि के लिए अभी तक का सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। मुझे नहीं पता था अभिषेक कि मेरे ऐसा कहने से तुम्हारे दिल को इतनी ठेस पहुंचेगी। अगर मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हारे दिल को इतनी ठेस नहीं पहुंचती, इसलिए हो सके तो फिर एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज, आरुषि फिर एक बार अभिषेक से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। लेकिन आरुषि के इतना कहने पर भी, इतना रिक्वेस्ट करने पर भी अभिषेक का गुस्सा शांत होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। उसके हाथ में पानी की बोतल थी जिसे उसने इतना कसकर पकड़ लिया कि कुछ ही देर बाद उस प्लास्टिक के बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसे देखकर आरुषि के होश उड़ गया और वो अभिषेक के गुस्से से पूरी तरह डर गई। आरुषि अभिषेक से माफी मांग रही है और उसकी आवाज अब अभिषेक के दोस्तों और उसके पापा के कानों तक भी पहुंच गई। इसलिए अगले ही पल अभिषेक के दोस्त और उसके पापा विवेक, राजेश शेखावत के साथ वहां पहुंचे। उन सभी ने देखा कि अभिषेक अभी गुस्से से कांप रहा है और उसकी आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल पड़ गई है, जिसे देखकर अभिषेक के पिता और उसके दोस्त चौंक गए, क्योंकि आज से पहले अभिषेक को इतने गुस्से में ना तो उसके दोस्तों ने देखा था और ना ही उसके पिता ने। अरे बेटा अभिषेक, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो? इससे पहले तो तुझे कभी इतना गुस्सा नहीं आता था, पर आज ऐसा क्या हुआ जो तेरी आंखें गुस्से से इतनी लाल हो गई? अभिषेक के पिता विवेक ने अभिषेक से सवाल किया। अभिषेक ने अपने पिता के इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो सामने की ओर गुस्से से आग बबूला होकर देखता रहा। अंकल, गलती मेरी है, मैंने ही अभिषेक को गुस्सा दिलाया था। मुझे अभिषेक के सामने अभी उसके पिता और दादा की बातें नहीं करनी चाहिए थी, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। यही वो कारण है जिस वजह से अभिषेक अभी इतने गुस्से में है कि
अब वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, आरुषि ने कहा, और अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगी। आरुषि के पिता ने जब आरुषि को अभिषेक के लिए यूं रोता हुआ देखा तो उन्होंने आरुषि के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे सहारा देने लगे। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी इंसानों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अभिषेक तेरी इतनी सी बात पर इतना ज्यादा गुस्सा करे, विवेक ने आरुषि को समझाते हुए कहा। बेटा अभिषेक, ऐसा नहीं करते हैं, माना कि आरुषि से थोड़ी गलती हो गई, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बेटा, वो अभी छोटी है इसलिए माफ कर दे उसे, अभिषेक के पिता उसे समझाते हुए बोले। उसके पिता के समझाते ही कुछ देर बाद अभिषेक का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा और फिर वो पूरी तरह नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होकर अभिषेक सभी लोगों को बड़े गौर से देखने लगा। उसकी आंखों और चेहरों के हाव भाव को देखकर लग रहा है जैसे अभी यहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उसे कुछ पता ही ना हो। पापा, आप लोग यहां पर मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? अभिषेक ने चौंक कर अपने पिता और बाकी लोगों से सवाल किया, और ये सवाल उसके पिता समेत आरुषि और उसके दोस्तों को पूरी तरह शॉक्ड कर गया। कुछ नहीं बेटा, अभी तू आरुषि के साथ बैठकर बातें कर, हम जा रहे हैं, अभिषेक के पिता ने थोड़ा हड़बड़ा कर कहा। लेकिन पापा, आप मुझे ये तो बताइए कि आप लोग अपनी सीट छोड़कर यहां मेरे पास क्यों आ गए? अभिषेक ने फिर एक और सवाल किया। बेटा, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही ना हो कि यहां अभी अभी जो कुछ हुआ वो तुझे कुछ याद ही नहीं है, अभिषेक के पिता विवेक ने थोड़ा चौंकते हुए अभिषेक से पूछा। नहीं पापा, क्या हुआ था यहां पर? अभिषेक ने थोड़ा घबराकर हैरानी भरा सवाल पूछा। आरुषि के एक बात पर तुझे गुस्सा आ गया था और गुस्से से तेरी आंखें लाल हो गई थी, क्या तुझे वो भी याद नहीं? अभिषेक के दोस्त ने उससे पूछा। मैंने आरुषि पर गुस्सा किया, पर क्यों? अभिषेक ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि जैसे उसको इस बात का एहसास ही ना हो कि अभी कुछ ही देर पहले उसने आरुषि पर कितना गुस्सा किया था। तभी इतने में राजेश ने कहा, बेटा वो क्या है ना, हम लोग थोड़ा थक चुके हैं, अपनी अपनी जगह पर वापस जाकर थोड़ा आराम करते हैं, चलो चलो सब लोग अपनी अपनी सीट पर वापस बैठ जाओ। राजेश के ऐसा कहते ही सभी लोग वापस अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यह सब हो क्या रहा है। एक तरफ अभिषेक ये सोचकर परेशान है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो दूसरी तरफ अभिषेक के दोस्त और पापा अंकल राजेश शेखावत सहित वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार अभिषेक को कुछ याद क्यों नहीं है। सबके मन में बस एक ही सवाल है कि क्या अभिषेक नाटक कर रहा है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे वो कुछ याद नहीं रख पा रहा है। क्या हो रहा है अभिषेक के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए सुपर अर्जुन, सिर्फ और सिर्फ।